नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति के कारण अनेक लोगों को परेशानियां भी हो रही है। वहीं पूरे देश में अलग अलग जगह पर समाज सेवी संस्था और समाज सेवी लोगों की मदद के लिए तथा प्रशासन के साथ मिलजुल करके चलने के लिए तैयार हैं। परंतु कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लोग काफ़ी परेशान हैं, खासकर वे लोग जो अपने घर से दूर अलग अलग प्रांतों में फंस गए हैं। विशेष तौर पर ऐसे लोग ट्रक चालक हैं जो किसी भी हालत में अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। शहरों तथा झोंपड़ियों में लोग ज़रूरतमंदों को सामान पहुंचा रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पानी तक मिलना नसीब नहीं हो रहा। कुछ ऐसे वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी दुखद है, जहाँ समाज सेवियों द्वारा इस दुख की घड़ी में हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वैसे ही दूसरी ओर जहां पर इस तरह के लोग फंसे हैं उन तक राशन पानी और भी प्रकार का रसद पहुंचाना मानो नामुमकिन है, क्योंकि वे लोग काफ़ी दूर हैं। मगर जो लोग नज़दीक होते हैं या आसपास के लोकल क्षेत्र से आते हैं वे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सड़कों पर और राज्यों की सीमाओं पर रुके हुए लोगों को मदद के लिए हाथ बढ़ाएँ। ये वीडियो गुजरात के नज़दीक सीमा पर लगते किसी इलाके का है, जहां पंजाब क्षेत्र से कुछ ट्रक वहां रुके हैं। इनके पास न खाने पीने के लिए सामान है और न ही पीने के लिए पानी। ये ट्रक सैकड़ों की संख्या में हैं। लॉकडाउन होने के कारण उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा। ऐसी स्थिति में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा खाने पीने का वहाँ कोई प्रबंध नहीं किया गया। इस वीडियो में बताया भी गया है कि उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है। हरियाणा और पंजाब के कुछ ऐसे इलाकों से ये ट्रक हैं जिन्हें कई हफ्तों से वहां रुकना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए राहत सामग्री के साथ साथ पीने का पानी भी उपलब्ध करवाया जाए, ये वहां के लोकल प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहयोग से ही संभव हो सकता है। इस वीडियो में हम आवाज़ आपको नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने वालों ने काफ़ी दुख व्यक्त भी किया है। हरियाणा और पंजाब में जहां लंगर की कतारें लगी रहती हैं, वहीं देश भर में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो रहा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आप देख रहे हैं ये पल पल की विशेष रिपोर्ट वायरल वीडियो के साथ।